पैरानोइड स्किजोफ्रेनिया ये जो मानसिक बीमारी है इसको मैनेज कैसे करें, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में मुंबई अकोला यहाँ प्रैक्टिस। देखो रिलेटिव्स के लिए, रिश्तेदार जो है ना उनके लिए पैरानोइड स्किजोफ्रेनिया जो है वो मैनेज करना बहुत कठिन हो जाता। इसका मतलब क्या है, पैरानोइड स्किजोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है? पैरानोइड स्किजोफ्रेनिया ये होता है कि उसको ये शक आता है कि भाई एक तो लोग मेरे बारे में बातचीत करते हैं, उसको उसकी आवाज आती है या उसके विचार है कि लोग मेरे बारे में बातचीत कर रहे हैं, लोग मेरे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, लोग मेरा बुरा चाह रहे हैं, या लोग मुझे खाने में मिला के कुछ दे रहे हैं, या फिर लोग मेरा घात कर देंगे, मेरे को मार डालेंगे। स्पेशली जब लेडीज को ये होता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी मेरे पास में ऐसे दो चार पेशेंट है, उसमें के एक दो आपको बता रहा हूं कि वो जो लेडी है उसको ऐसा लगता है कि मेरा हस्बैंड जो है वो उसके देवरानी उसके साथ में लगा हो। अब एक ही घर में रह रहे, उसको लगता है कि उसको इशारे करता है, उसके तरफ देखता है, उसके साथ में समय मिला तो सोता भी है और उसके उस साथ में संबंध है। अच्छा, ये इतना उसका पक्का विश्वास है कि वो ट्रीटमेंट लेने को तैयार नहीं है, उसको क्रॉस किया, क्रॉस क्वेश्चंस पूछा तो वो एकदम इरिटेबल हो जाती वो, और फिर बोलती है कि नहीं आप मुझे मत पूछो, मैं उसे पक्का पता है ऐसा है करके, और फिर उससे घर में बहुत झगड़े हो जाते हैं। क्योंकि घर में ही देवरानी के साथ में हस्बैंड के संबंध ऐसा बोलना तो उसमें तो फिर घर में हंगामा हो जाता है। वो मानने को तैयार नहीं, बोले मेरे पास में प्रूफ है, और एक्चुअली सब घर के लोग बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी एक केस बताता हूँ, केस हिस्ट्री कि उसमें हस्बैंड को प्रॉब्लम है कि मेरी मिसेज जो है वो मैं जब बाहर जाता हूँ तो वो किसी को घर में बुलाती है। आजकल वो जरा अच्छी रह रही है, टॉप टिप रह रही है, लिपस्टिक लगाती है, जरा वजन उसने वजन भी कम कर लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को अच्छी रख रही है, फिट रख रही है, तो ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं लगी हुई है, और फिर वो उसको बाहर आने जाने देता नहीं है, उसके ऊपर शक करते रहता है, उसको बोलता है कि नहीं ये तो बाहर लगी हुई है तो इसके हाथ का भी खाना नहीं खाऊंगा, वो खाना खाने को तैयार नहीं है। और बाकी वो जो पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो बाकी ऑफिस में जाता है, ऑफिस में एकदम अच्छा काम करता है, वहाँ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और घर में आने के बाद में सब नाटक चालू, और उसको वो पक्का विश्वास है। फिर रिलेटिव को प्रॉब्लम ये होता है कि भाई उसको इलाज कैसे करें। अभी ये जो हस्बैंड है, मतलब जो अपने पत्नी के बारे में मतलब उसको डाउट है, अभी उन्होंने करना क्या, वो ट्रीटमेंट लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। फिर हम उसको जब रिलेटिव्स मेरे पास में आते हैं उनको बोलते हैं ठीक है, ये जो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया वाले जो लोग हैं या पैरानॉइड साइकोसिस है या एक पैरानॉइड डेल्यूजन है, मतलब एक बाकी सब अच्छा है और सिर्फ एक डेल्यूजन है कि भाई मेरी पत्नी के संबंध है, समझो फॉर एग्जाम्पल, तो फिर या हस्बैंड के संबंध है, तो फिर उनको एक तो खाने में मिला के दो दवाई, क्योंकि वो तो बहुत तकलीफ दे रहे, तो खाने मिला के आप दे सकते हैं, हालांकि अभी अलाउड नहीं है मेंटल हेल्थ एक्ट के अनुसार, मगर उसमें अभी डॉक्टर की सलाह लेके दो साइकेट्रिस्ट को पूछ के उनको बता के फिर वो मैनेज हो सकता है, या फिर उनको उनके फैमिली फिजिशियन के पास में जाके उनको उनके माध्यम से फिर लॉन्ग एक्टिव ड्रग्स देना, लॉन्ग एक्टिव मेडिकेशंस देना, लॉन्ग एक्टिव मेडिसिन देना, और जिससे कि उनका जो पैरानॉइड साइकोसिस है वो कम हो सकता है। क्योंकि मानने को तैयार ही नहीं है, तो घर के लोग जब आते हैं, जो मतलब दो तीन लोग घर के वेल विशर्स, घर के रिलेटिव्स आके और बोलते आते और हमको बोलते कि नहीं ये ऐसा प्रॉब्लम है, तो हमको फिर उसका इलाज करना पड़ता है, वो व्यक्ति तैयार नहीं है, तभी भी फिर हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड होके उसका इलाज करके उसमें फ़र्क पड़ सकता है। स्पेशली मैं इनको देता हूँ हेलोपेरिडॉल के जब ड्रॉप्स, और जब हेलोपेरिडॉल के ड्रॉप्स देते हैं, बूंद देते हैं, और 10 बूंद मतलब 1 ml सवेरे 1 ml शाम को, तो बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। और फिर लेडीज़ लोग आते हैं बताते हैं कि नहीं अभी हस्बैंड में बहुत फ़र्क पड़ा, या हस्बैंड आता है बोलते नहीं उसमें बहुत फ़र्क पड़ गया है। तो इस तरह का ये पैरानॉइड साइकोसिस हो, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया या पैरानॉइड डेल्यूजन है, सिंगल डेल्यूजन है, इसका इलाज हो सकता है, मगर घर वालों ने ज़्यादा लेट नहीं करना है, क्योंकि लेट ज़्यादा करते हैं तो वो विचार पक्का पक्का होते जाता है। तो जैसे ही आपको ऐसा लगा कि थोड़ा इरिटेबिलिटी है, थोड़ा आजकल शकेला स्वभाव बन गया है, तो फिर उसका इलाज जल्दी करके साइकेटिस्ट को जल्दी कॉन्टैक्ट करके इलाज करते तो फायदा हो जाएगा। ये वीडियो सभी आपके ग्रुप में शेयर करो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके घरों में ये प्रॉब्लम है मगर ये बाहर बोलते नहीं है, तो उनको इसका फायदा हो जाएगा, वो दवाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।